हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आज के इस छोटे से वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आजकल एनटीए यूजीसी नेट इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे इंक्लूड कर रहा है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी इन इंडिया, यानी भारत में मातृ सत्तात्मक समाज। भारत में कितने तरह के मातृ सत्तात्मक समाज होते हैं, मैट्रिलिनियल सोसाइटियां कितने टाइप्स की होती हैं, क्या होती है मैट्रिलिनियल सोसाइटी, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नाम समझ लीजिए, अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बायजूज एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर के नाम से ये टेलीग्राम चैनल चल रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो देखिए, ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ग्रुप। इसको इसको ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के से कहता रहता हूं कि ज्वाइन कर लो, इससे आसान समाजशास्त्र आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो आज ही इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करते ही आपके लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जो क्लास का शेड्यूल है, फ्री क्लासेस आपको वेडनेसडे मिलती है, सैटरडे और संडे मिलती है। वेडनेसडे को 3 बजे ऐप पर मिल जाती है और सैटरडे और संडे को 10 बजे सुबह मिलती है। ये फ्री क्लासेस होती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे पेड क्लासेस करना चाहिए, सोशियोलॉजी को सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और जेआरएफ मुझे एक ही बार में कवर करना है, कंप्लीट करना है, पा लेना है जेआरएफ के सपने को, तो एनरोलमेंट करा लीजिए। 9241333666 पर कॉल करेंगे तो एनरोलमेंट से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी, और 9650052904 पर भी आप कॉल करके एनरोलमेंट से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज मैट्रिलिनियल सोसाइटी, सबसे पहले ये समझते हैं। मैट्रिलिनियल, मैट्रीआर्कल, मैट्री लोकल, यानी मात्र सत्तात्मक समाज, मात्र वंशीय समाज। मैट्रिलिनियल सोसाइटी जो होती है उसका मतलब सीधा सा होता है कि जो लाइन है वो मदर की तरफ से देखते हैं, यानी ऐसी सोसाइटी जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है वहां पर मुखिया जो होता है परिवार का वो कौन होती है, वो महिला होती है। ठीक है, महिला होती है। और जो सरनेम मिलता है बच्चे को, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जनरली सरनेम जो हमको मिलता है वो हमको पापा की तरफ से मिलता है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी में जो सरनेम होता है, जो उपनाम होता है, वो किसकी माता की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के मैट्रिलिनियल सोसाइटी होते हैं। अब जहां पे मैट्री आर्कल आ गया, आर्क मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मात्र आर्क मतलब होता है सत्तात्मक, ठीक, मात्र लिनियल मतलब होता है वंशीय, वंश का पता चलता है। जहां पे बात आती है आर्क, आर्क का मतलब होता है प्रॉपर्टी या अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी या प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, तो वो फीमेल लाइन की तरफ से अथॉरिटी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, उसे हम मैट्रियार्कल यानी मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं। अब मैट्री लोकल क्या होता है, यानी मात्र स्थानीय क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मात्र स्थानीय मतलब क्या होता है, मात्र स्थानीय मतलब होता है कि जब न्यूली मैरिड कपल होते हैं, जैसे नई नई शादी हुई होती है दो लोगों की, नया नया विवाह हुआ होता है दो लोगों का, तो वो लोग वाइफ के दोनों जने, मतलब जो वाइफ होती है, जो फीमेल मेंबर होता है दोनों पार्टनर में से, उसके मम्मी के घर जाकर के रहते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मात्र स्थानिक कहते हैं, मैट्री लोकल कहते हैं। मतलब उनका रेसिडेंस जो होता है वो क्या होता है, वो लड़की लड़की के मम्मी के घर होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, प्रॉपर्टी सारी की सारी मम्मी की होती है। अब यहीं सर एक निकल करके एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो है अवनकु लोकल। किसने दिया था, रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। अवनकु मतलब होता है मामा, ठीक, लोकल मतलब स्थानीय। यानी अब कई सारी सोसाइटी में एक व्यवस्था होती है कि वहां पर विमेन जो होती है वो अकेले रहती है। ठीक है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी कई ऐसी होती है जहां हस्बैंड जो होते हैं वो विजिटिंग होते हैं। अब हस्बैंड विजिटिंग है, इसका मतलब क्या है कि हस्बैंड जो है आके चला जाता है, ठीक, हस्बैंड का होल्ड नहीं होता है उस प्रॉपर्टी पे, उस फैमिली पे, तो कोई ना कोई मेल मेंबर तो चाहिए घर को देखने के लिए, तो वो जो मेल मेंबर होता है वो क्या होता है, मम्मी का भैया जो होता है वो साथ में रहता है। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी मम्मी के भैया के ही नाम की होती है, तो ऐसे स्थिति में जो मम्मी के बच्चे होते हैं उनकी जब शादी होती है तो वो भैया मतलब अपने मामा जी के यहां रहते हैं,
इस तरह के समाज को हम अवनकू लोकल सोसाइटी कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी की थी। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ट्राइब्स जो थे उनका अध्ययन करते वक्त उन्हें ये कॉन्सेप्ट वहां पर देखने के लिए मिला था मैट्रिलिनियल सोसाइटी में। अब आते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी इन इंडिया। मैट्रिलिनियल सोसाइटी इंडिया में बहुत वेरिड है, ठीक, अलग अलग तरह के पाए जाते, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, यानी जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इन क्षेत्रों में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक, मैट्रिलिनियल व्यवस्था यानी मात्र इस वंशीय व्यवस्था जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ज्यादा पाई जाती है। दूसरा जो स्थान है जहां पे हमारे यहाँ मातृवंशीय परिवार, मात्र सत्तात्मक या मात्र स्थानीय यानी मैट्री अर्कल और मैट्री लोकल और मैट्री लिनियल सोसाइटी पाई जाती है वो है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली कहां पर? साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली केरला के रीजन में जो है वहां के मुस्लिम्स और इजावाह कम्युनिटी और नायर कम्युनिटी जो होती है वो प्रैक्टिस करती है मैट्रिलिनियल सोसाइटी। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन सी जगह पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी पाई जाती है। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी सबसे पहली बात तो ये है कि जो खासी रीजन होता है, ठीक, उत्तर पूर्व भारत में मात्र सत्तात्मक समूह खासी ट्राइब्स जो होते हैं मेघालय में पाए जाते हैं वहां पे, और गारो जो ट्राइब्स है वो भी मेघालय में पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो दोनों जो है मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। विमेन हैव डोमिनेंट, जो भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है वहां पे महिला बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है। महिला जैसे हमारे यहां क्या होता है, वर्चस्व किसका होता है? पुरुष का होता है, लेकिन मात्र सत्तात्मक परिवार खास तौर से में जो मेघालय में पाए जाने वाले मात्र सत्तात्मक समाज है वहां पे महिलाओं महिला जो है वो प्रमुख भूमिका निभाती है। परिवार डोमिनेंट रोल, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग करना होगा महिलाएं ही डिसीजन मेकिंग करती हैं। अब मेघालय में खास तौर से एक प्रचलन है जिसमें कि यंगेस्ट जो डॉक्टर डॉटर होती है, सॉरी, जो सबसे छोटी बेटी होती है ना उसको सारी प्रॉपर्टी का अधिकार होता है, और उस छोटी बेटी का नाम रखा जाता है, क्या कहा जाता है? का खड्डू, याद रखिएगा, का खड्डू, ठीक, का खड्डू कहा जाता है उसे। ठीक है, जो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकार उसी को जाता है जो सबसे छोटी महिला होती है घर की। ठीक, आफ्टर मैरिज हस्बैंड जो होता है छोटी महिला छोटी वीमेन का वो अपनी सास के घर जाके रहता है। ठीक है, हस्बैंड खास तौर से एक बात याद रखिएगा, लड़की के मम्मी के घर जाके रहते हैं, छोटी बेटी जो है वो मम्मी के साथ ही रहती है हमेशा। इस तरह की सोसाइटी जो है कहां पर पाई जाती है? खासी समाज में पाई जाती है, याद रखना। ठीक, गारो, गारो सोसाइटी, गारो अमंग गारो ट्राइबल्स हु आर फाउंड मेनली इन द स्टेट ऑफ मेघालय। अ मैट्रिलिनियज इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउस होल्ड ऑफ डॉटर्स। ठीक है, तो यहां पर भी मैट्रिलिनियज जो मातृवंशीय परिवार है गारो में वो हाउस होल्ड जो है घर जो है उस पर किसका अधिकार होता है? किसका अधिकार होता है? महिला का अधिकार होता है, और सबसे छोटी महिला का अधिकार होता है। यहां का जो परिवार होता है वो कैसे बना होता है? विमेन का से, उनके डॉटर से और उनके सन इन लॉ से, मतलब दामाद, घर जमाई बन करके साथ में रहते हैं यहां पे। ठीक, तो विच इज कंटिन्यूड रिटेनिंग वन डॉटर विद इन इट्स फोर, एक ना एक महिला को जो है अपने घर में ही रहना पड़ता है, अपनी मम्मी के साथ ही रहना पड़ता है। मैट्रिलिनियज इज अंडरस्टूड बाय द टर्म मचोंग। वहां पर गारो लोग मैट्रिलिनियल जो सोसाइटी होती है उसको क्या कहते हैं? मचोंग कहते हैं, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से, मचोंग। ठीक, और चिल्ड्रंस को नाम कहां से मिलता है? मदर की तरफ से सरनेम चिल्ड्रन को मिलता है। तो गारो मेघालय में रहने वाली आदिवासी जनजाति समाज है, वहां पे खास तौर से मातृवंशीय ये एक मातृवंशीय समाज है जहां पे प्रतिनिधित्व जो है वो बेटियां करती हैं। ये परिवार जो है वो कैसे बना हुआ होता है? एक महिला, उसकी बेटी और उसके दामाद, यानी दामाद क्या करता है? घर जमाई बन करके रहता है, इनसे मिलकर के इसका परिवार बनता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी बेटी होती है वो अपने घर में ही रहती है, अपनी मम्मी के साथ ही रहती है, समझ गए? मातृवंश परिवार को मचोंग कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से, मचोंग। कभी शब्द पूछ सकता है कि मचोंग क्या है, तो मचोंग जो है वो एक नाम है जो मातृवंशीय परिवार गारुक जनजाति में पाया जाता है, उसे मचोंग कहते हैं।
ठीक, बच्चों को जो सरनेम है, जो उपनाम है, वो कहां से मिलता है? अपने मां के गोत्र से मिलता है, मां की तरफ से मिलता है। अब आते हैं खासी। खासी भी जो है वो मेघालय रीजन में रहने वाली मेट्रिलिनियल ट्राइब है, बहुत बड़ी ट्राइब है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ठीक है, तो ये भी जो डिसेंट है मेट्रिलिनियल यानी माता की तरफ से इन्हें वंश जो है देखा जाता है, डिसेंट भी जो ट्रेस होता है वो माता की तरफ से होता है। इनहेरिटेंस और सक्सेशन भी जो मिलता है वो माता की तरफ से यानी मम्मी की तरफ से मिलता है। यहां पर भी मैरिज जो है वो मैट्रिलोकल होता है, यानी जब लड़की शादी करती है तो शादी करने के बाद जो हस्बैंड है वो, दिस मीन्स दैट मैन आफ्टर हिज मैरिज लिव्स विथ हिज वाइफ्स पेरेंट्स। ठीक है, तो जो हस्बैंड होता है वो उसका घर बदल जाता है और वो यहां पर आकर के रहने लग जाता है। ठीक है, खासी जो है वो एक एक्सोगेमस क्लान होती है, दैट इज टू पर्सन बिलोंगिंग टू सेम क्लान कैन नॉट मैरी। एक ही क्लान के दो लोग नहीं शादी कर सकते, क्योंकि वो दोनों अपने आप को एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। ठीक है, तो खासी एकमात्र सत्तात्मक जनजाति है, ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई, समझ गए? तो मेघालय की पहाड़ियों में ये रहते हैं, अपना वंश जो है वो माता की तरफ से देखते हैं, यानी जो सरनेम है वो माता की तरफ से मिलता है, अधिकार भी, उत्तराधिकार भी जो है वो माता की तरफ से मिलता है। विवाह के बाद जो हस्बैंड है वो लड़की के मम्मी के घर में ही आकर के रहता है, ठीक है, अपने सास और ससुर के साथ आकर के रहता है। ठीक, खासी बहिर्विवाही होते हैं, अपने क्लान के अंदर शादी नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने क्लान के लोगों को अपना भाई और बहन मानते हैं। ठीक है, तो खासी जो है वो क्रॉस कजन मैरिज प्रैक्टिस करते हैं, याद रखिएगा क्रॉस कजन, मगर उनके यहां लेवीरेट नहीं होता है और सोरोरेट भी नहीं होता है। लेवीरेट क्या होता है? लेवीरेट वो होता है कि देवर के साथ विवाह, सोरोरेट वो होता है कि साली के साथ विवाह। तो यहां पर ये दोनों चीजें अलाउड नहीं होती हैं, याद रखिएगा। कौन वो थिंकर हैं जिन्होंने गारो और खासी के बीच में एक कंपेरेटिव एनालिसिस किया है? तो वो है बीना अग्रवाल। सवाल पूछ सकता है कि गारो और खासी का अध्ययन किसने किया है, कौन से थिंकर ने किया है? तो बीना अग्रवाल ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिलिनियल ग्रुप इन साउथ वेस्ट इंडिया। साउथ वेस्ट में क्या पड़ता है? केरला पड़ता है। केरला में सोसाइटी जो है उसे नैयर सोसाइटी है, जहां पर खास तौर से मैट्रिलिनियल कम्युनिटी पाई जाती है, जिसकी स्टडी कैथलीन गफ ने किया था। ठीक है, कैथलीन गफ ने भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित केरल राज्य में मात्र सत्तात्मक समुदाय पाया जाता है, और सबसे पहली बार कैथलीन गफ ने 1952 में इसी नायर समाज का अध्ययन किया था। नायर कौन होते हैं? नायर जो होते हैं वो एक ऐसे परिवार के प्रैक्टिस करते हैं जो जिसमें कि हस्बैंड जो होता है नंबूदरी ब्राह्मण होता है, लेकिन वो उनके साथ रहता नहीं है, वो विजिटिंग हस्बैंड होता है। द नायर ऑफ सेंट्रल केरला फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग हस्बैंड। विजिटिंग का हस्बैंड का मतलब क्या होता है कि वो रात में आता है और फिर उसके बाद आकर के चला जाता है, वो उनके साथ रहता नहीं है। मध्य केरल के नैयर पतियों से मिलने की प्रथा का पालन करते हैं और पति जो है वो उनके साथ नहीं रहता है। Thus, they do not have the institution of elementary family in which husband, wife, children live together under one roof. तो यहां पर क्या होता है? हस्बैंड जो है वो अपने बीबी और बच्चों के साथ नहीं रहता है, क्योंकि वो विजिटिंग होता है और हस्बैंड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो यहां की जो मैट्रिलिनियल फैमिली जो होती है वो हस्बैंड के बगैर रहती है, और इसीलिए एक भैया जो है, मतलब इसका जो मामा जो है वो साथ में रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए, बाकी सारे अधिकार जो है वो महिलाओं को मिले हुए होते हैं वहां पर, मतलब माता को मिले हुए होते हैं लड़की के। ठीक है, मैट्रिलिनियल मुस्लिम ऑफ लक्षद्वीप भी फॉलो करते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के मुसलमान जो हैं वो मात्र सत्तात्मक परिवार को फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो मैट्रिलिनियल मुस्लिम आर डिसेंडेंट ऑफ हिंदू इमिग्रेंट्स फ्रॉम केरला। ये जो मैट्रिलिनियल जो मात्र सत्तात्मक मुस्लिम है, ये कौन है? ये पहले हिंदू रहे थे और ये हिंदुओं के ही वंशज हैं, लेकिन इन्होंने आगे चल के अपना धर्म जो है वो परिवर्तन कर लिया, लेटर दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। और ये जो इस्लाम, इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया,
ये मुस्लिम जो है वो मातृसत्तात्मक को परिवार को फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पर ये डिफरेंस है कि ये डुओ लोकल रेसिडेंस को फॉलो करते हैं। डुओ लोकल रेसिडेंस, डुओ लोकल रेसिडेंस क्या होता है? यहां पे हस्बैंड वाइफ जो है अलग अलग घर में रहते हैं। डुओ लोकल, द्वि स्थानीय कहते हैं इसे, याद रखिएगा, द्वि स्थानीय। द्वि स्थानीय समाज में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते। ड्यू लोकल निवास का तात्पर्य कि पति पत्नी अलग अलग घरों में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया मैट्रिलिनियल सोसाइटी, तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और तोशिबा मैम जो है वो आपकी फेवरेट टीचर हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जो जो वो टॉपिक पढ़ाती हैं बायजूस एग्जाम प्रेप के ऑफिशियल चैनल पर, ठीक है, उनसे अच्छा पूरे यूट्यूब की दुनिया में उनसे अच्छा वो टॉपिक्स कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो वो मेगा वर्कशॉप लेकर के आ रही हैं, 10 गोल्डन रूल्स, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप 10 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके यूजीसी नेट JRF जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और बिल्कुल लिमिटेड पीरियड के अंदर। तो 22 नवंबर को ये वर्कशॉप होने वाला है 8 बजे शाम को, इसे जरूर से अटेंड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा वाला जो ज्वाइन नहीं किया है, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, तो उसको ज्वाइन कर लो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो। एनरोलमेंट के लिए 9650052904 पर कॉल कर लीजिएगा या 9241666 पर कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया होगा। और थैंक यू फॉर शेयरिंग, ठीक है, लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं लेकिन शेयर करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। और आप जब शेयर करते हैं तो हमारा समझ लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट बनाने का जो है वो सफल हो जाता है, उसका उद्देश्य सफल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जो भी अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो इसी के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर नेक्स्ट जो टॉपिक है ये वाला समझा दीजिए, तो मैं वही कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाऊं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।